हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में मग्न होंगे। आज के इस YouTube चैनल में मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लैंग्वेज मंत्रा के आज के इस नए लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम पहुँच गए हैं उस हिस्से में जहाँ आपकी परीक्षाओं में व्यापम हो, चाहे वो CGPSC प्री हो, ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। अब तो ये वह हिस्सा हो चुका है जो आपकी CGPSC मेन्स में भी आपको क्वेश्चन बनाने लगा है। कहने का मतलब, जो आप इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उसी से संबंधित, जहां आप 8 प्रकार के शब्द को पढ़ते हैं, 8 प्रकार के शब्द में 4 प्रकार का विकारी और 4 प्रकार का अविकारी, मतलब कि डेक्लिनेबल वर्ड्स को पढ़ते हैं और इनडेक्लिनेबल वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो आज के इस लैंग्वेज मंत्रा में संज्ञा और सर्वनाम, ये दो विकारी शब्द की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जिसके अंतर्गत MCQ के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस 3 लेक्चर वीडियो में जो आज से पहले आ चुके हैं आपको बेनिफिशियल रहा होगा, जहां भाषा और लिपि से, वर्णमाला और वर्तनी से और शब्द विचार से लंबे वीडियोस के माध्यम से सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। दूसरी बात कि शब्द विचार के अंतर्गत माना कि लंबे वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, उसके अंतर्गत हर एक बारीकी को कब किस प्रकार कैसे उसे समझा जाए, ये सारी चीज़ें बताने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज का पहला एक विकारी शब्द जो है संज्ञा और दूसरा विकारी शब्द है सर्वनाम। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं। तो कहने का मतलब कि सबसे पहली बात कि किसी भी भाषा को जब कोई व्यक्ति उच्चारित करता है तो सुनाई देती है हमें ध्वनि, जो इसी आपके आकृति के माध्यम से आड़ा तिरछा और खड़ा और वक्र आकार दे देता है, तब निर्माण होता है हमारे लिए वर्ण का। इस वर्ण के हिस्से होते हैं मानक वर्तनी के अनुसार, सबसे पहले हम स्वर को जानते हैं, उसके दूसरे हिस्से को हम अयोगवाह के नाम से पुकारते हैं और तीसरा हिस्सा होता है हमारे लिए व्यंजन वर्ण। ठीक है, जब ये स्वर और व्यंजन एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, कभी प्रथम संयोग, मध्य संयोग या द्वितीय प्रयोग करके, तब निर्माण होता है हमारे लिए शब्द का। ठीक है, तो ध्वनि से हुआ वर्ण और वर्ण से बनते हैं शब्द। तो ध्वनि को भाषा की मौखिक उच्चारण में सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, तो वर्ण को लिखित प्रयोग में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहा जाता है। इसी वर्ण के संयोजन से जब एक सार्थक तत्व का निर्माण होता है तो उसे शब्द कहा जाता है। इस शब्द के आधार पर लास्ट वीडियो में आपने रचना के आधार पर शब्द पढ़ा, दूसरा आपने इतिहास के आधार पर शब्द पढ़ा, फिर आपने अर्थ के आधार पर शब्द को पढ़े थे और चौथा है हमारे लिए प्रयोग व रूपांतर के आधार पर। ठीक है, और जब इन्हीं शब्द के अंतर्गत हम इन्हीं सारे शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते समय अगर वो शब्द किसके आधार पर, वचन के आधार पर, अगर वो लिंग के आधार पर, अगर वो काल के आधार पर, इसी प्रकार पुरुष के आधार पर, इसी प्रकार कारक के आधार पर, तो वचन, लिंग, काल, पुरुष के आधार पर यदि उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो परिवर्तन होने वाला है ना, कि वचन, लिंग, काल, पुरुष, कारक के अनुसार परिवर्तन करने वाला, के अनुसार परिवर्तन करने वाला, या हम कह सकते हैं कि परिवर्तित होने वाला शब्द क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, इसे विकारी शब्द के अंतर्गत आप कितने प्रकार के विकारी शब्द को पढ़ते हैं, संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रिया को और विशेषण को पढ़ते हैं। तो क्या बताया मैंने कि जब किसी ध्वनि को लिखित और सांकेतिक चिन्ह दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाते हैं, वर्ण के संयोजन से शब्द बनता है और शब्द का जब प्रयोग किया जाता है और यदि भाषा तो वचन, लिंग, काल, पुरुष और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं तो ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला को हम फोनोलॉजी या फोनेटिक्स या अल्फाबेटिकल्स कहते हैं। शब्द विचार या शब्द व्यवस्था के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, आप इसे इटिमोलॉजी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर जो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का है उसे आप विकारी और अविकारी कहते हैं और यही हमारे लिए शब्द पद बनाता है, जिसके अंतर्गत मर्फोलॉजी में हम 4 प्रकार का विकारी शब्द और 4 प्रकार का अविकारी को पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में सबसे पहला विकारी
शब्द है हमारे लिए संज्ञा। तो कहने का मतलब कि संज्ञा क्या है, संज्ञा को हम नाम कहते हैं, संज्ञा को हम महानाम कहते हैं, या संज्ञा को हम पहचान कहते हैं। यानी कि वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह से बनने वाला शब्द जब किसी नाम को पहचान दे देता है, जिसके वजह से उसे पहचाना जाता है, तब उसे संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। यह संज्ञा जहां हमारे द्वारा जीवन में देखा जाए तो कुछ सजीव तत्व हैं, कुछ हमारे लिए निर्जीव तत्व हैं। इस सजीव तत्व को हम चेतन पदार्थ कहते हैं और निर्जीव तत्व को हम जड़ पदार्थ कहते हैं। इस सजीव में कुछ गिनी जा सकती हैं, निर्जीव में भी गिनी जा सकती हैं, और कुछ ऐसी है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो गणनीय और अगणनीय, इस प्रकार से तीन प्रकार के पक्ष देखने को मिलते हैं, सजीव, निर्जीव, जड़ और चेतन, और इसी प्रकार गणनीय और अगणनीय। इन्हीं सब को अगर एक नाम दे दिया जाता है तो इसे संज्ञा कही जाती है। तो यह संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले तत्व को संज्ञा कही जाती है। वर्ण अक्षर में यदि व्यंजन वर्ण र से मिला आ, म से मिला अ, और स्वर और व्यंजन के संयुक्त होने से एक नाम प्रभावित हो रहा है तो ही इसे संज्ञा कही जाएगी। यह विकारी क्यों है, अगर बच्चा कहता है तो विकार के तौर पर अगर स्त्री सूचक है तो बच्ची हो जाएगी, अगर वो एक वचन में बच्चा कहता है तो बहुवचन में हमारे लिए बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार अगर किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो तो ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। और इस विकारी शब्द से संबंधित प्रश्न की यहाँ पर चर्चा करेंगे और प्रश्न के माध्यम से उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कही जाती है। दूसरी बात देखेंगे, इस संज्ञा में हम एक प्रकार के प्रभाव देखते हैं, जहां मैंने आपको सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन, गणनीय और अगणनीय कहा, उसी पक्ष के अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर हमारे लिए कुछ तत्व होते हैं जो हमारे लिए प्रयोग होते हैं, कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कुछ जीव जंतु होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। यानी के लिए तत्व में हमारी वस्तु भी आती है, ठीक है, इसी प्रकार हमारे लिए प्राकृतिक तत्व में स्थान आ जाता है, ठीक है, और जीव जंतु में प्राणी जगत आ जाता है, जिसमें कि हमारे लिए सजीव पक्ष जो है वो आते हैं। इन सब से हटकर हमारे लिए एक पक्ष है जो भाव को संबोधित करता है, जो हमारे लिए किसको बताता है, गुण धर्म को बताता है। हालांकि अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केवल तीन प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है, एक है व्यक्तिवाचक, एक है हमारे लिए जातिवाचक, और एक है हमारे लिए भाववाचक संज्ञा। मूलतः केवल तीन प्रकार की संज्ञा जो है वो पाई जाती है, परंतु देखा जाए तो इस जातिवाचक के दो पक्ष होते हैं। इस जातिवाचक में व्यक्ति और वस्तु का समूह होता है, ठीक है, इस जातिवाचक के अंतर्गत व्यक्ति और वस्तु और प्राणी जगत का समूह होता है, इससे एक समूहवाचक संज्ञा बनती है। तो जातिवाचक का उपभेद कह सकते हैं, इस जातिवाचक के उपभेद में जहाँ एक समूह है तो वहीं पर इस जातिवाचक में कुछ तत्व और पदार्थ आते हैं जिसको नापा तौला जाएगा, जिससे दूसरे पक्ष का निर्माण होता है। इस तरह हमारे लिए एक स्वतंत्र संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के बाद में चौथी संज्ञा समूहवाचक और पांचवी संज्ञा हमारे लिए आपकी पदार्थवाचक बन जाती है। कहने का मतलब कि मूलतः तीन प्रकार की संज्ञा, लेकिन अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के बाद हमारे लिए दो प्रकार की संज्ञा और जुड़ जाती है, और इस संज्ञा का जन्म जातिवाचक संज्ञा से होता है। तो चलते हैं हम संज्ञा से संबंधित प्रश्न को पूछने की। सबसे पहला कहता है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो हम जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा को आप इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जब एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जाति का बोध हो तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। इस जातिवाचक संज्ञा में हमारे सगे संबंध आते हैं, रिश्ते नाते आते हैं, ठीक है, इसमें प्राणी जगत आता है, ठीक है, इसके बाद में हमारे व्यापार, हमारे कार्य आते हैं, साथ ही व्यवसाय आता है।
ठीक है। साथ ही हमारे प्राकृतिक तत्व भी इसके श्रेणी में आते हैं, जो विशेष स्थान होते हैं, है ना, वो भी हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। कैसे? सगे संबंध में मामा, बूढ़ा, बालक, लड़का, बच्चा कहते हैं, लड़की कहते हैं, माता पिता कहते हैं, ये हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा के सगे संबंध रिश्ते नाते में आते हैं। दूसरा, प्राणी जगत में हमारे जीव जंतु ना घोड़ा, कुत्ता, गाय, बैल, मगरमच्छ, कौआ, है ना, गिलहरी, बुलबुल, तीतर, बटेर कहता है, तो इसकी एक ही वैरायटी नहीं होती, इसलिए जाति में आते हैं। इस प्राणी जगत में मनुष्य है, नर नारी है, ठीक है, मनुष्य है, नर नारी है, स्त्री पुरुष है, नर मादा है, ये आपके प्राणी जगत में आते हैं। इसके अलावा व्यापार, जैसे कि उद्योगपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री कहते हैं, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जितने भी सोनार, लोहार, शिक्षक, गायक, अध्यापक कहते हैं, तो सब पद, व्यवसाय, कार्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगला है प्राकृतिक तत्व, मरुस्थल, द्वीप, समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़, ये आपके जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है, जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। पर कंफ्यूजन कि यदि वो नदी, पर्वत, पहाड़ जातिवाचक है तो हिमालय पर्वत, गंगा नदी व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि अगर उन्हीं में से अगर उनको एक नाम के द्वारा संबोधित किया जाएगा तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, आल्पस पर्वत कहता है, प्रशांत महासागर कहता है, सुनामी का तूफान कहता है, इसी प्रकार लीना का तूफान कहता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर वो वही नदी, पर्वत, पहाड़ कहता है तो जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो स्थान है, जैसे कि देश, नगर, राज्य, प्रांत, शहर कहता है, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन यदि वो कहता है विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहता है, तब वो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन विद्यालय, मंदिर कहता है, राज्य, नगर, शहर, प्रांत, देश के नाम अगर देश कहता है, तो हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन भारत, अमेरिका, जापान कह देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। और इस तरह जातिवाचक कॉमन हो जाता है और व्यक्तिवाचक पर्सनल हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को छोड़कर अगर हम जातिवाचक की बात करें तो क्या है, एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो प्रश्न ने पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जवान कह रहा है तो कोई एक नहीं है, बालक कह रहा है तो एक नहीं है, मनुष्य कह रहा है तो एक नहीं है, लेकिन सुंदर कह रहा है तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो सुंदर कह रहा है तो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए जवान, बालक, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, पर सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या भाववाचक है, जातिवाचक है कि पदार्थवाचक है। आपने अभी जातिवाचक को समझ लिया, अब जानते हैं कि व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल नाउन क्या होता है या प्रॉपर नाउन क्या होता है। एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। डॉक्टर डिमशिस्त के अनुसार कहा जाता है, डॉक्टर डिमशिस्त के अनुसार कहा गया है कि यदि वो नदी, पर्वत, पहाड़, देश, नगर, राज्य, शहर, प्रांत, धर्म, वेद, पुस्तक, किताब कहता है, यहां तक कि फूल, पौधे, पेड़ कहता है, ठीक है, अगर उनके नाम बता रहा है, ठीक है, अगर उनका नाम बता रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। स्थान, सड़क, नदी, महीने, दिन, पर्वत, पर्व, त्योहार, सभी के अगर नाम बता, जैसे रक्षाबंधन, होली, उसी प्रकार आपके कह सकता है भारत, अमेरिका, जापान, मालवी रोड, वीआईपी चौक कह सकता है, चंपा, चमेली, गुलाब कह सकता है, आम, बरगद, पीपल का वृक्ष कह सकता है, गोभी, टमाटर, शलगम, चुकंदर कह सकता है, इसी प्रकार रमेश, सुरेश, दिनेश कहता है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, इसी प्रकार धर्म, वेद, पुराण, ग्रह, नक्षत्र, दिन, महीने, पर्वत, नदी, पर्वत, इन सभी के अगर नाम बता रहा है, जैसे सहारा का मरुस्थल, उसी प्रकार थार का मरुस्थल कह सकता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए आपके व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आते हैं। तो फिर भाववाचक क्या है, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण दोष या उसके भाव का बोध कराया जाए तो वहां पर हमारे लिए भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, इसे हम नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, इसे महसूस किया जाता है। हर एक पक्ष में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, उनमें किसी न किसी प्रकार का गुण धर्म प्रभाव देखने को मिलता है। आग में तपिश है, जल में शीतलता है, मनुष्य में पशुत्व का और देवत्व का गुण होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो घोड़े में वेग है,
ठीक है, बर्फ में ठंडाई है। तो ये प्रेम, माया, करुणा, दया, मोह, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, यौवन अगर कहता है तो इसे नापा और तौला नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। इसलिए भाववाचक संज्ञा होती है। पदार्थवाचक संज्ञा जो कच्चे तत्व हैं, जिसकी अवस्था तरल या ठोस रूप में होती है, जिससे अन्य तत्व का निर्माण किया जा सकता है, तो ऐसे तत्व जिसे नापा और तौला जा सके उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, लोहा, दाल, चावल, नमक, दूध, तेल, दही, रक्त, डीजल, पेट्रोल कहता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लकड़ी, कोयला कहता है, पेट्रोल कहता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके पनीर कहता है, छाछ कहता है। तो ये सारे शब्द जिससे हम ये प्राप्त करते हैं कि नापा और तौला जा सके, तो वहां पर हमारे लिए पदार्थवाचक संज्ञा होती है। और एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन और पदार्थवाचक को मटेरियल नाउन कहा जाता है। प्रश्न ने क्या पूछा है? राम की लंबाई, राम की लंबाई कह रहा है। अब लंबाई को नापा जा सकता है, लेकिन चूंकि राम की वो गुण बता रहा है कि वो कैसा है, वो लंबा है, उसकी लंबाई बता रहा है, तो यहां पर हमारे लिए क्या आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, क्योंकि यहां पर लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है कह रहा है। अगर वो राम कहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है। अब चूंकि राम पदार्थ में नहीं आएगा, राम एक जाति विशेष का बोध नहीं करा रहा है। प्रश्न ने पूछा है राम की लंबाई कम है, यहां लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो राम के गुण है कि उसकी लंबाई कैसी है, कम है, तो यहां पर हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल आएगा। अगला है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, बिहार, मालवीय चौक, गंगा और संतान। तो मैंने क्या बताया, एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराए तो संज्ञा कहलाती है, लेकिन एक ही प्रकार का व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसके नाम का बोध करा रहा है तो हमारे लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, नगर, राज्य, शहर, प्रांत कहता है, नदी, पर्वत, पहाड़ कहता है, इसके अलावा विशिष्ट स्थान कहता है, दिन, महीने, पर्व, त्योहार के नाम कहता है, वृक्ष के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम कहता है, तो सब व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बिहार एक राज्य का नाम है, मालवीय चौक स्थान का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, लेकिन संतान कह रहे हैं तो संतान एक सगा संबंध है, तो संतान केवल एक नहीं है, है ना, संतान औलाद अगर कहते तो केवल एक नहीं है, तो संतान का मतलब कि एक नहीं बल्कि कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा संतान शब्द नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, स्वास्थ्य, अपनापन, मनुष्यत्व या भीतरी। तो देखा जाए तो कुछ भाववाचक संज्ञा जो होती है वो भाववाचक संज्ञा हमारे लिए आपकी स्वतंत्र होती है, माया, दया, करुणा, प्रेम, मिठास, वीरता, बहादुरी, घृणा, नफरत कहता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लड़कपन, नादानी, जवानी, बुढ़ापा, यौवन, तरुणाई कहता है, तो ये भाववाचक के शब्द होते हैं। अगर हम चाहें तो भाववाचक संज्ञा को क्रिएट कर सकते हैं, जब जातिवाचक संज्ञा में हम प्रत्यय लगा दें, जब हमारे लिए सर्वनाम के शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए, जब हमारे लिए विशेषण के शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए, इवन जब हमारे द्वारा क्रिया के शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए, और इसी प्रकार अव्यय शब्द में अगर प्रत्यय लगा दिया जाए, तो प्रत्यय के जुड़ने से हमारे लिए आपकी बन जाती है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का कहता है, जो जातिवाचक संज्ञा है, पन प्रत्यय लगाकर लड़कपन बन जाता है। सर्वनाम में अपना शब्द में पन लगा दिया जाए तो अपनापन बन जाता है। विशेषण शब्द मीठा में आस लगा देने से मिठास बन जाता है। क्रिया लिखना में आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो लिखाई बन जाता है। और इसी प्रकार बाहर जैसा अव्यय शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दे तो बाहरी बन जाता है, ठीक है। प्रश्न ने पूछा है कि विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है। अब अपना कह रहा है तो सर्वनामिक शब्द है, तो इसका निर्माण सर्वनाम से हुआ है। मनुष्य कह रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे मनुष्यत्व बना है। इसी प्रकार भीतर कह रहा है तो अव्यय शब्द है, लेकिन स्वस्थ कह रहा है, स्वस्थ कह रहा है जिससे बना है स्वास्थ्य। तो ध्यान से समझिएगा बेटा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं, जातिवाचक को बहुवचन में बदला जा सकता है, और अधिकांशतः भाववाचक संज्ञा एकवचन में होती है। लेकिन जिस वक्त
जिस टाइम यह भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदल दी जाती है उसी वक्त भाववाचक से यह जातिवाचक में गिना जाने लगता है। तो ध्यान से समझिएगा कि भाववाचक संज्ञा अधिकांशतः एकवचन में होती है, लेकिन अगर भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में बदल दें, जैसे कि यह पहरावा है, यह पहरावा है, मतलब ड्रेसअप के बारे में बता रहा है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यह सब पहरावे हैं कह रहा है, तो ड्रेसिंग सेंस को बताने के साथ साथ बहुवचन प्रयोग होकर ड्रेस मटेरियल को बताकर वो जातिवाचक में चला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विशेषण से कौन से भाववाचक बनी है, संज्ञा बनी है, तो स्वास्थ्य जो है वो विशेषण से बना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक को बहुवचन में नहीं बदल सकते, जातिवाचक बहुवचन में बदला जा सकता है, और भाववाचक एक वचन से होते हैं, लेकिन जब वो एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तब वो जातिवाचक में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी मित्रता, और ऑप्शन डी सड़क। अब योग रूढ़ होते हैं, जब ध्यान से समझिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है, एक होता है रूढ़, ठीक है, एक होता है हमारे लिए यौगिक, और एक होता है हमारे लिए योग रूढ़। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि हमने उसको बनाया, तो बनाया जो शब्द है उसके अनुसार हमारे लिए रूढ़ शब्द हैं। कि स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखकर किसी परंपरा से रूढ़ होता है तो किसी निश्चित अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाता है। दो शब्द से मिलकर बना है तो यौगिक हो जाता है, और दो शब्द से मिलकर बना किसी परंपरा के अर्थ को बताता है तो योग रूढ़ हो जाता है। और इस आधार पर देखा जाए तो उत्पत्ति या रचना के आधार पर तीन प्रकार की संज्ञा हो जाती है, जल, भवन, मंदिर, देवता, दानव कहता है तो रूढ़ यौगिक रूढ़ शब्द हो जाते हैं, जब वो पाठशाला कहता है, विद्यालय कहता है तो यौगिक हो जाते हैं, और जब वो लंबोदर कहता है तो योग रूढ़ हो जाते हैं। अब देखिए, जल भवन कहता है, जल कहता है तो पदार्थवाचक संज्ञा है, भवन कहता है तो जातिवाचक संज्ञा है, मंदिर कहता है तो जातिवाचक संज्ञा है, विद्यालय कहता है हमारे लिए यौगिक में तो हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, देवालय कहता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार अगर लंबोदर दशानन कहता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और इस आधार पर देखा जाए तो पूछा है कि कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का है परंतु योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब कहने वाली बात है कि पानी जो है हमारे लिए आपकी पदार्थवाचक संज्ञा है, मित्रता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और सड़क जो है हमारे लिए आपका क्या है, सड़क है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ध्यान रखिए, मित्र शब्द से बन गई है मित्रता तो भाववाचक संज्ञा हो गई, पानी जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा हो गई, सड़क कह रहा है तो ये हमारे लिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कब तक, जब तक उसका नाम बता रहा है, लेकिन यह भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर वो हिमालय कह रहा है तो आंसर आएगा हिमालय, क्यों कि जातिवाचक संज्ञा है पर्वत शब्द, पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक होकर एक विशेषता विशेष होने की वजह से एक योग रूढ़ हो गया है, मतलब कि एक विशेष पहचान बना दिया है उस पर्वत को, इसलिए हिमालय जो है एक पर्वत का नाम होकर किसी एक स्पेशल पर्वत को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हिमालय जो है योग रूढ़ होकर हमारे लिए आपकी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द होकर भी अगर किसी गुण विशेष की वजह से किसी व्यक्ति विशेष हेतु रूढ़ हो जाता है तो ऐसे शब्द जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। सेम सिचुएशन होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द यदि किसी गुण विशेष की वजह से एक को छोड़कर अनेक के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर कहता है नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक कर रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर यही प्रश्न कह दे कि पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब पंडित शब्द चूंकि पद व्यवसाय है और यह हमारे लिए किसी जाति को संबोधित कर रहा है, लेकिन वो रूढ़ हो जा रहा है, पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे कहकर यह रूढ़ हो जा रहे हैं किसके लिए, नेहरू जी के लिए, तब वो जातिवाचक वाला शब्द व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वैसे ही भारत में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, अब हरिश्चंद्र एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन व्यक्ति
नीतिवाचक होकर भी वह कॉमन हो जा रहा है कि केवल एक हरिश्चंद्र नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर कहता कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे तो वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन भारत में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है कहते हैं, तब वह जातिवाचक की श्रेणी में आ जाता है। तो प्रश्न ने क्या पूछा, ध्यान से समझिएगा कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, परंतु योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ है हमारे लिए हिमालय, चूंकि पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा पर्वत होकर भी उसका नाम एक पर्वत को संबोधित कर रहा है, इसलिए यही पर्वत का नाम व्यक्तिवाचक में चला जाता है। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्ष पर आम फला है वाक्य में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या पदार्थवाचक है। अब देखिए, एज अ फ्रूट अगर हम आम कहते हैं तो वो हमारे लिए फल का नाम होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चूंकि आम बहुत सारी वैरायटी की होती हैं तो वृक्ष में आम है कहता है, अगर वो कहता है आम का वृक्ष कहता है, आम का फल कहता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाजार में बहुत से आम बिकते हैं कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। आम में मिठास है कहते हैं तो उसका गुण बता रहे, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। मैंने बाजार से 2 किलो आम खरीदे कहते हैं तो पदार्थवाचक संज्ञा है। आम का पन्ना या आम का रस कहता है तो पदार्थवाचक संज्ञा है। लेकिन वृक्ष में आम फला है कहता है तो एक ऐसा संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह का बोध कराए। तो जातिवाचक संज्ञा का जो उपभेद है, जहां व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का समूह है, तो यहां पर आम जो है गुच्छों में फलता है। तो अगर समूहवाचक संज्ञा की बात की जाए कि दल, गुट, गिरोह, झुंड, टुकड़ी, सेना, जमघट, प्रदर्शन, रैली, हुजूम, जमावड़ा, बैठक, पंचायत कहता है, भीड़ कहता है, बारात कहता है, तो व्यक्तियों का समूह है। यदि वो झुंड कहता है, ठीक है, अगर वो झुंड कहता है और इसी रूप में जानवरों का समूह हो गया। अगर वृंद कहता है, समूह कहता है, तो खग वृंद, पक्षी वृंद, खग समूह, पक्षी समूह कहता है, तो वो बस आपके आपके पक्षियों का समूह है। अगर वो गुच्छा कहता है, आगार कहता है, ढेर कहता है, ठीक है ना, कुंज कहता है, तो यह हमारे लिए वस्तुओं का, जैसे चाबी का गुच्छा, फलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा कहता है, ये हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो जो जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव पक्ष हैं, जो आपके आपके जो गणनीय और अगणनीय है, उनमें से यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह का बोध होगा तो समूहवाचक संज्ञा होती है। तो वृक्ष पर आम फला है कहते हैं तो आम जो है वो यहां पर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या 2, 3, 4 या 5? थोड़े ही समय पहले बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला, ऐसा शब्द जिसे खंड में बांटा ना जा सके, और ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी परंपरा के निश्चित अर्थ हेतु बंधे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। 2 शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द जो आसानी से 2 भाग में बांटे जा सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की प्रक्रिया से भी अगर शब्द का निर्माण हुआ है जिसका नाम है तो यौगिक संज्ञा कहलाएगी। और ऐसे शब्द जो यौगिक की तरह 2 शब्द से मिलकर बना है लेकिन परंपरा से किसी अर्थ को बताता है तो योगरूढ़। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब रूढ़ में यदि हम जल, भवन, मंदिर कहते हैं, जल कहते हैं तो हमारे लिए आपका जो है वो आपके पदार्थवाचक संज्ञा, दूध, दही कहता है, घी कहता है, ठीक है, ये हमारे लिए पदार्थवाचक संज्ञा, लोहा, सोना, तांबा कहता है, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाती है। अब वो विद्यालय कहता है, देवालय कहता है, शिवालय कहता है, पुस्तकालय कहता है, इसी प्रकार अगर देखा रहे तो पंकज कहता है, तो ये कहीं ना कहीं नाम संबोधित करके यौगिक शब्द हो जा रहा है। और पंकज, नीरज कहकर, लंबोदर और गणपति कहकर हमारे लिए आपके योग रूढ़ शब्द बन जाते हैं। और इस आधार पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं बदली जा सकती, या जातिवाचक को, भाववाचक को, पदार्थवाचक को या व्यक्तिवाचक को। तो कहने का मतलब कि जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन में बदला जा सकता है। अगर वो लड़का कह रहा है तो हम बहुवचन में उसे लड़के कह सकते हैं,
बच्चा कह रहा है तो बच्चे कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है वह भी बहुवचन में नहीं बदली जा सकती, लेकिन कभी कभी भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में प्रयोग हो तो वह जातिवाचक बन जाती है। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन में ही होती है, अधिकांशतः एक वचन में होती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे सोना से सोने, हीरा से हीरे, लोहा से लोहे। लेकिन मोस्ट ऑफ भाववाचक संज्ञा और आपकी पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन में होती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। यदि वो अगर कहता है मालवीय रोड, यदि कहता है हिंदी गणित, अगर कहता है दैनिक भास्कर पत्रिका कहता है, इसी प्रकार होली दीपावली कहता है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे लिए हिमालय पर्वत गंगा नदी कहता है, रमेश सुरेश दिनेश कहता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को कभी भी बहुवचन में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डॉक्टर जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस वाक्य में डॉक्टर शब्द की संज्ञा बताइए। क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या वो जातिवाचक है, क्या वो भाववाचक है, क्या वो समूहवाचक संज्ञा है। मैंने पहले ही बताया कि एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक ही प्रकार के अनेक हैं तो जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर वो संज्ञा शब्द के गुण दोष भाव की विशेषता बताए तो वहाँ हमारे लिए आपके भाववाचक होंगी, और जहां व्यक्ति वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो तो समूहवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न ने क्या कहा, डॉक्टर जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसमें डॉक्टर शब्द की संज्ञा क्या है। अब जितने भी पद व्यवसाय कार्य है, डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, शिक्षक, गायक, मंत्री, अगर कहता है राज्यपाल, उसी प्रकार संवाददाता कहता है, इसी प्रकार हमारे लिए आपके सोनार लोहार कहता है, ठग चोर पुलिस सिपाही दरोगा कहता है, तो वो जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर देखने वाली बात है तो डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु थोड़े ही देर मैंने बताया कि अगर ये किसी गुण विशेष की वजह से किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है तब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाता है। अब डॉक्टर जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यहाँ पर हमारे लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए वह जातिवाचक से कन्वर्ट हो गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो क्रिया है, क्या वो विशेषण है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेम एक व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, लेकिन प्रेम एक भावनात्मक पक्ष है। प्रेम, दया, माया, करुणा, मिठास, कड़वाहट, है ना, ये ऐसे शब्द है जो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम एक संज्ञा शब्द है, लेकिन संज्ञा के बदले हो रहा है तो सर्वनाम है। क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, और विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाला, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है जो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पक्षी वृंद उन्मुक्त गगन में उड़ रहे हैं, संज्ञा पहचानिए, क्या यह भाववाचक है, क्या जातिवाचक है, कि समूहवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है। अब यहाँ पर पक्षी वृंद कह रहा है, ठीक है ना, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, किसी भी संज्ञा की गुण दोष धर्म स्वभाव अवस्था हालात संबंधी नाम का बोध कराएगा तो भाववाचक संज्ञा है। दया, माया, करुणा, प्रेम, मिठास, लड़कपन, युवन, जवानी, बुढ़ापा, है ना, मिठास, कड़वाहट, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। और भाववाचक संज्ञा जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के शब्द में प्रत्येक जोड़कर बनाया जा सकता है। अगली बात कि जातिवाचक एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति वस्तु या प्राणी के जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा है। सगे संबंध, रिश्ते नाते, पद व्यवसाय कार्य, प्राकृतिक तत्व, इसी प्रकार हमारे लिए जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, दर्रा, घाटी, या फिर हम कह सकते हैं आपके ऐसी आपदा जिसमें तूफान है, बिजली है, ठीक है, ये सब हमारे लिए आपकी प्राणी जगत है, जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। समूहवाचक जहां पर किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो। अब समूहवाचक संज्ञा जो है जिसमें हम बना सकते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा में आपके आपके जो कुछ तत्व है जिसको लगाया जा सकता है, जैसे कि हम गण लगाते हैं,
जैसे कि संघ लगाते हैं, जैसे कि हम वर्ग लगाते हैं, ये मनुष्य में लगाया जा सकता है ना, जैसे कि अध्यापक गण, शिक्षक गण, पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग, इसी प्रकार हम कह सकते हैं छात्र संघ, युवा संघ, ये हम बना सकते हैं बहुवचन बनाने के लिए, और इनमें एक समूह पाया जाता है। इसी प्रकार अगर वो वृंद कहता है, अगर वो समूह कहता है, पक्षी समूह, खग समूह, पक्षी वृंद कहता है तो पक्षियों का समूह है, अगर वो झुंड कहता है तो जानवरों का समूह होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है कि पक्षी वृंद उन्मुक्त गगन में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पक्षियों का समूह बताया जा रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन होंगे, ठीक है। तो जहां पर हम बहुवचन बनाने के लिए कुछ प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके समूह का बोध होने लगता है, तो यहाँ पर पक्षी वृंद कह रहा है मतलब पक्षियों का वो समूह है, तो कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आएगा। अगली बात आते हैं हमारे लिए, रजनीश कल मुंबई जाएगा। इस वाक्य में रजनीश है, क्या वो जातिवाचक है, क्या वो व्यक्तिवाचक है, क्या भाववाचक है कि समूहवाचक है। अब देखिए रजनीश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी भी एक व्यक्ति, है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान कहता है, नगर, शहर, राज्य, ग्राम, नगर कहता है, प्रांत कहता है, धर्म कहता है, वेद कहता है, किताब कहता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं कहता है, आपके पर्व त्योहार कहता है, वेद कहता है, ये सब हमारे लिए फल फूल वृक्ष के नाम कहता है, तो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्ति में रजनीश जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, शुक्ला किस प्रकार की संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। अब आपका दिमाग कहता है कि शुक्ला एक व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, है ना, पंडित हरिशंकर शुक्ल कह रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल कह रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कोई जातिवाचक संज्ञा अगर किसी के लिए रूढ़ हो जा रही है तो एक को संबोधित कर दे तब वो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बताया जा रहा है जहां रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार देवी कहने से दुर्गा को संबोधित करने लगता है, हालांकि कितनी सारी देवियां हैं लेकिन देवी कहते सबसे संबंधित हम दुर्गा जी को कहते हैं, पूरी कहने से हम जगन्नाथ पुरी को कहने लगते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे लिए अगर शुक्ला कह रहा है, ठीक है, तो शुक्ल कह रहा है तो वो एक वर्ण है, ब्राह्मण का एक वर्ण है। इसी प्रकार शुक्ल कह रहा है तो एक पक्ष है, लेकिन कब तक, जब तक वो कॉमन है, किसी एक को संबोधित करेगा तो वो व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब शुक्ला किस प्रकार की संज्ञा है कह रहा है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया कहेगा तो यही शुक्ला जो है हमारे लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कहता पंडित जी पूजा करते हैं तब तक वो जातिवाचक संज्ञा है, पंडित जी पूजा करते हैं कहते हैं तब तक वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही पंडित नहीं है, लेकिन कहते पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे तब वो हमारे लिए व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ जाएगा। तो शुक्ला किस प्रकार की संज्ञा है, तो शुक्ला जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। भारत का अतीत खाली स्थान था, रिक्त स्थान की पूर्ति गौरव शब्द के सही रूप से क्या होगा। अब गौरव जो शब्द है एक भाववाचक शब्द है, आपके इस गौरव का क्या प्रयोग होगा, क्या गौरवान्वित कहेंगे, क्या गौरवपूर्ण कहेंगे, कि गरिमापूर्ण कहेंगे, कि गरिमामय कहेंगे। तो भारत का अतीत गौरवपूर्ण था कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, यहाँ से हम चलते हैं आपके सर्वनाम को जानने के लिए। तो अब तक जो मैंने संज्ञा के अंतर्गत बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताया तो वहाँ संज्ञा शब्द होती है। एक ही प्रकार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, एक से अनेक है तो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, यदि उनके गुण धर्म स्वभाव का बोध कराए तो गुणवाचक, आपके जो आपके भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जहाँ उसके समूह का बोध कराए तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा होती है। और उसी प्रकार अगर कच्चे पदार्थ जिससे अन्य तत्व का निर्माण किया जाए, नापत तौला जाए, तरल या ठोस अवस्था में हो तो पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन होते हैं। और मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक को बहुवचन में नहीं बदल सकते, जातिवाचक बहुवचन में बदल जाते हैं, आपके भाववाचक पदार्थवाचक संज्ञा हमेशा एकवचन में होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कभी-कभी वह बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और जब बहुवचन में प्रयोग होने लगते हैं तब वह हमारे लिए जातिवाचक में बदल जाते हैं। उसी तरह समूहवाचक संज्ञा मैक्सिमम एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। पुलिस की सेना मौका वारदात पर पहुंच गई, कह सकते हैं बारात दरवाजे पर खड़ी है,
क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इसके और बहुत ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो एक लिंक होगा हमारे जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आई बटन को अगर आप दबाते हैं तो वहां से उसका लिंक आपको मिलेगा, और जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाकर कंपटीशन कम्युनिटी की लैंग्वेज के वीडियो में जाकर इस टॉपिक को बहुत गहराई से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन होगा, वहां जाकर आप इस संज्ञा के टॉपिक को, बहुत बेसिकली चीज़ों को जो मैंने बताया है आज, उसके बहुत डेप्थ में जाकर वहां से वीडियो से उसको आप समझ सकते हैं। दूसरा टॉपिक है एक विकारी शब्द। अब दूसरी बात कि संज्ञा विकारी क्यों था, क्योंकि संज्ञा वचन के अनुसार बदलता है, लड़का है तो लड़के, ठीक है, बच्चा है तो बच्चे, इसी प्रकार एक लिंग के अनुसार बदलता है, लड़का है तो लड़की, बच्चा है तो बच्ची। अब आते हैं सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है। नाम यानी कि कहा जाए तो जितने भी प्रकार के नाम लिए जा रहे थे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के, उन सभी नाम के बदले जिस नाम को इस्तेमाल किया जाएगा उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यदि मेरा नाम मिसेस अनु रॉय है तो मैंने कहूँगी कि अनु रॉय हिंदी पढ़ा रही है, नहीं कहूँगी, मैं क्या बोलूँगी, मैं हिंदी पढ़ा रही हूं, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें कारक के अनुसार परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अगर एक वचन में मैं कह रहा है जो आपके कर्ता सूचक है तो संबंध बोधक में मेरा हो जाता है, कर्म सूचक में वह मुझको हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर वो अपदान कहता है तो मुझ में हो जाता है। तो कारक के अनुसार इसमें एक विकार उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात, इस पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है कि अगर वो एक वचन में मैं कह रहा है तो बहुवचन में हम इसे हम के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सर्वनाम शब्द में लिंग का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर्वनामिक शब्द है जो लिंग के अनुसार बदलते नहीं है। चाहे लड़का हो अपने नाम के बदले मैं का प्रयोग करेगा, लड़की होगी अपने नाम के बदले मैं का प्रयोग करेगी, तो सर्वनामिक शब्द में वचन के अनुसार, इवन पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे कि प्रथम पुरुष है तो हम मैं कहेंगे, मध्यम पुरुष है तो तू या तुम कहा जाएगा, और अन्य पुरुष है तो यह या वह कहा जाएगा। तो सर्वनामिक शब्द जो वचन और पुरुष के अनुसार और कारक के अनुसार तो बदल जाते हैं, परंतु सर्वनामिक शब्द में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। इससे संबंधित प्रश्न को जानेंगे कि हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनामिक शब्द होते हैं, क्या 13, 11, 15 या 17। तो सबसे पहली बात कि संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का मतलब है कि सभी नाम जो संज्ञा के तौर पर प्रयोग किए जा रहे थे, उन सभी नाम के बदले किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं, सभी के द्वारा अगर उसके बदले में कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, तुम, यह, वह, जो, कोई, कौन, किसका, किसको, किस लिए, ऐसे कह के 11 प्रकार के सर्वनामिक शब्द होते हैं। परंतु अकॉर्डिंग टू संस्कृत यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा में 33 टाइप्स के प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। संस्कृत भाषा जहां पर 3 प्रकार का लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उनके आधार पर वहां 33 प्रकार के सर्वनामिक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग पक्ष हैं। जैसे कि ही पर्सन कहेंगे तो हम सा कहेंगे, शी पर्सन कहेंगे तो हम सा कहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अगर यही में कोई देवता है पुल्लिंग में तो हम ऐशा कहेंगे, और देवी है तो हम ऐशा का प्रयोग करेंगे। न्यूट्रल जेंडर है तो हम एतद का प्रयोग करेंगे, इदम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार पास या दूर में है तो तत् का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यही हो गए। तो संस्कृत भाषा में 33 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में ओनली 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है वो यूज किए जाते हैं। तो सर्वनामिक शब्द की संख्या हिंदी भाषा में 11 मानी जाती है। इसी 11 सर्वनामिक शब्द को 6 प्रकार के सर्वनाम में विभक्त कर दिया गया है, जहाँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। सबसे पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं और इन्हीं व्यक्तियों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे प्रॉपर प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है मैं, हम, तू या कोई। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यानी हम देखें तो कि यहाँ तीन प्रकार का पुरुष पाया जाता है। एक होता है हमारे लिए वक्ता, एक होता है हमारे लिए श्रोता और एक होता है हमारे लिए विषय, ठीक है। वक्ता जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बात करने वाला व्यक्ति होता है, इसका संबंध बोलने वाले से होता है। दूसरा है सेकंड पर्सन जिसे हम श्रोता कहते हैं, जिसे मीडिएटर कहते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तो इसका संबंध सुनने वाले से होता है। तीसरा होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, चाहे वो ही या शी पर्सन हो, जिसके विषय में बात की जा रही है, तो उसे हम अन्य पुरुष के नाम से पुकारते हैं। तो वक्ता को हम प्रथम या उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं और विषय को हम अन्य पुरुष के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब इसी पुरुषवाचक सर्वनाम में तो यहाँ तीन प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है। तो प्रश्न ने पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है मैं, हम, तू और कोई। तो देखने वाली बात है कि मैं कह रहा है तो फर्स्ट पर्सन है, मतलब कि हमारे लिए उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष है। इसी का बहुवचन शब्द है हमारे लिए हम, ठीक है। तू कह रहा है तो ये हमारे लिए सेकंड पर्सन है, जिसका बहुवचन तुम सब या आप सब, तो तू तुम है ना। तो मैं हमारा फर्स्ट पर्सन है, तू यहाँ तक कि तुम, इसी प्रकार रेस्पेक्ट देने के लिए आप कहते हैं तो सेकंड पर्सन हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ये, वे, इस, उस, इसका प्रयोग करते हैं तब ये हमारे लिए थर्ड पर्सन होता है। मैं का बहुवचन हम सब या हम लोग हो जाता है, तू का बहुवचन तुम सब, तुम लोग या आप सब या आप लोग, ये का ये, वे का वे, इस का इन, उस का उन हो जाता है। लेकिन जो आपके कोई कह रहा है ये आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम में व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और प्रश्न ने पूछा है कि कौन सा सर्वनामिक शब्द है जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी कोई यह पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निजवाचक सर्वनाम से संबंधित शब्द की पहचान कीजिए। अब है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जिस सर्वनामिक शब्द में अपनेपन का बोध हो, जिस सर्वनामिक शब्द में अपनेपन का बोध हो, उसे रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इससे संबंधित शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है अपना, ऑप्शन सी है अपनत्व और ऑप्शन डी है अपनापन। तो कहने का मतलब जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, जैसे कि आप, स्वयं, खुद, स्वतः अगर कहता है तो ये हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है अपना, अपनत्व या अपनापन, तो अपना शब्द से अपनापन कहकर भाववाचक संज्ञा बन गई, अपना में त्व लगा दिया तो अपनत्व कहकर भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार अपना कह रहा है तो हमारे लिए आपको संबंध हो गया, लेकिन आप कह रहा है तो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। अब इस आप को लेकर और सेकेंड पर्सन में आप को लेकर कन्फ्यूजन होता है, ध्यान समझिएगा। अगर कहता है आपका नाम क्या है, आपके राज्य का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं। मैं आप ही वहाँ चला जाऊँगा, मैं अपना आपा खो बैठा, मैं अपने आप सारा काम करता हूँ कहता है, ठीक है ना। मैं अपना काम आप ही कर लूँगा कहता है, तो यह निजवाचक की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति विशेष अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है, तो आप, स्वयं, खुद, स्वतः
है ना, ये हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। और यही सर्वनामिक शब्द अगर किसी सेकंड पर्सन को रेस्पेक्ट देने के लिए किया जा रहा है तो सिंगुलर पर्सन को भी रेस्पेक्ट देने के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष एकवचन होगा। लेकिन अगर कहता है आप भला तो जग भला, मैं अपना आपा खो बैठा, मैं आप ही वहां चला जाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक है, क्या अनिश्चयवाचक है, कि संबंधवाचक है, कि प्रश्नवाचक है? अब तक आपने 2 सर्वनाम को जान लिए। तो मैंने आपको बताया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक शब्द 6 प्रकार का होता है, जिसमें आपने व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक जान लिया, दूसरा निजवाचक। अब आते हैं इन चारों में समझने के लिए। जिस सर्वनाम में किसी पास या दूर में रहने वाले किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, या हम उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे हम डेफिनेट प्रोनाउन या इंडिकेटिव प्रोनाउन के नाम से पुकारते हैं। इस निश्चित सर्वनाम के 2 रूप हैं, यह और वह। ठीक है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिसका पता ठिकाना या निश्चितता का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कुछ, कोई या सब। ठीक है, एक सर्वनामिक शब्द से दूसरे सर्वनाम का संबंध बताता है तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिस, उस, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा, है ना, यहाँ वहाँ, ये हमारे लिए आपके संबंधबोधक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब है प्रश्नवाचक। जिस सर्वनामिक शब्द का प्रयोग किसी वक्ता विशेष से प्रश्न के लिए किया जाए, किसी सर्वनामिक शब्द का प्रयोग जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए किसी व्यक्ति विशेष से जिसको प्रश्न पूछा जाए, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कौन, किसे, किसने, किसको, किसका, ये सब हमारे लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहा है तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि आपका प्रॉपर प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन, जहां अपनेपन का बोध करा रहा है तो हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जहां निश्चितता का बोध हो तो निश्चयवाचक, मतलब कि हमारे लिए डेफिनेट प्रोनाउन, जहां निश्चितता का बोध न हो अनिश्चयवाचक, मतलब कि इनडेफिनेट प्रोनाउन, जहां एक सर्वनाम से दूसरे का संबंध बताया तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और जहां प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन 4 ने, क्वेश्चन ने क्या कहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा शब्द है? अब देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का कह रहे हैं तो किसी की निश्चितता बता रहा है, इसलिए डेफिनेट प्रोनाउन की श्रेणी में आएगा। अब यहां से यह और वह थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी काम करता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का यह और वह और पुरुषवाचक सर्वनाम का यह और वह में क्या डिफरेंसेस है? अगर कहता है यह मोहन है, वह सोहन है, यह राधा है, वह लड़का है, तो किसी अन्य के विषय में बताया जा रहा है। लेकिन कहता है यह मेरा विद्यालय है, वह मोहन के पिताजी हैं, यह राधा की बहन है, यह हिंदी की किताब है, वह मेरा घर है कहता है, तो निश्चितता बता रहा है, संकेत कर रहा है, यह मेरी किताब है बता रहा है, निश्चितता बता रहा है, वह लड़का है, कोई भी हो सकता है, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, जहां पर आपके निश्चितता का बोध हो तो वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लड़के को बता रहे कि वह लड़का अच्छा है, मतलब निश्चित बता रहा है, संकेत दे रहा है कि वो लड़का अच्छा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई बार बार मुझे पुकार रहा है वाक्य में सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, कि निश्चित है, कि अनिश्चित है, कि संबंध बोधक है। अभी मैंने बताया कि प्रश्न पूछने के लिए अगर किसी का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे सर्वनामी शब्द जो प्रश्न पूछने हेतु तो प्रयोग होता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन ए दे दिया है, प्रश्नवाचक। ध्यान से समझिएगा, यहां कह रहा है कोई, कोई कह रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आया था। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा कि अगर कोई, सब, कुछ कहता है, यह लो पैसे कुछ खा लेना, तो निश्चित है क्या हम क्या खाएंगे? नहीं। अगर कहता है कोई आ गया तो,
कोई मुझे पुकार रहा है तो कौन निश्चित है पुकार रहा है नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से समझिएगा बेटा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में अगर हम क्या कहते हैं, अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहते हैं तो किसी जड़ पदार्थ या वस्तु को संबोधित करता है ना, क्या खाना है या क्या कहते हो, ये जड़ पदार्थ को प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर हम कौन कहते हैं तो ये हमारे लिए चेतन पदार्थ यानी कि मनुष्य या प्राणी को पुकारेगा। तो मनुष्य के लिए हम कौन का प्रयोग करते हैं, गाय कुत्ता बिल्ली के लिए हम कौन नहीं कहते, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, एक ऐसा सर्वनाम एक शब्द जिसमें निश्चितता का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। तो कोई बार बार मुझे पुकार रहा है वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कभी कभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन बनाने के लिए हम इसे रिपीटेशन मोड में ले जाते हैं। आपका कह सकते हैं जो कोई, हर कोई, सब कुछ, कहते कुछ कुछ ना कुछ कहते हैं, कोई ना कोई कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, ना सब कुछ धरा रह जाएगा, कोई ना कोई चाहिए कहता है, इसी प्रकार कह सकते हैं हर कोई, इसी प्रकार कह सकते हैं हमारे लिए सब कुछ, कोई कोई, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। तो ऐसे जब हम दो सर्वनाम को मिलाते हैं ना तो एक और सर्वनाम का ईजाद करते हैं। तो मूलतः सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। इन सबसे हटकर जब दो सर्वनामिक शब्द को मिला दिया जाता है तो एक और सर्वनाम बनता है जिसे यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो कोई कहता है तो जो तो संबंध सूचक है और कोई कहता है तो हमारे लिए अनिश्चयवाचक है। हर कोई कहता है तो देखिएगा कि हर कहता है यह भी हमारे लिए दो सर्वनामिक शब्द को लेकर चलता है। जो सो जिसकी उसकी जैसी वैसी तो संबंध बोधक है, लेकिन अगर कहता है जो कोई, सब कोई, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, हर कोई, तो यहां पर अगर दो सर्वनाम को मिला रहा है तो यौगिक सर्वनाम कंबाइंड प्रोनाउन का निर्माण होता है। तो 6 प्रकार के सर्वनाम से हटकर एक और सर्वनाम देखने को मिलता है, यौगिक सर्वनाम। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है कि कोई मुझे बार बार पुकार रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम या किसी भी सर्वनाम को बहुवचन बनाने के लिए, जैसे व्यक्तिवाचक में मैं का बहुवचन हम है, तुम का तुम सब है, यह का ये, वह का वे हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम निश्चित की बात करते हैं तो यह से ये, वह से वे हो जाता है। अनिश्चय में हम उसका रिपीटेशन, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, सब कुछ, ऐसा कहकर बहुवचन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध सूचक सर्वनाम है, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इस घड़ी को देखो यह बहुत उपयोगी है, देते पांव पसारिए जेते लंबी सौ। तो अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, ये प्रश्न को संबोधित कर रहा है इसलिए प्रश्नवाचक होगा, या शर्मा जी का घर यह नहीं वह है कह रहा है तो ये निश्चित सर्वनाम हो जाएगा, इस घड़ी को देखो यह उपयोगी है कह रहा है तो यह भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, संबंध बोधक, जहां एक सर्वनामिक शब्द का संबंध दूसरे सर्वनामिक शब्द से हो तो वहां पर संबंध बोधक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन होते, जो सो जिसकी उसकी जैसी वैसी जैसा तैसा कहते हैं, ये हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। तो तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, उतना ही पैर पसारिए जितने लंबी सौर कह रहा है, तो इस तरह हमारे लिए आपका संबंध बोधक सर्वनाम में ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, मतलब कि हमारे लिए आपको देखना है कि किस सर्वनाम में व्यक्तिवाचक सर्वनाम का सारा शब्द है जो इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए है मैं, तुम, आप, किसी, ऑप्शन बी आप, कुछ, जो, यह, ऑप्शन सी जो कोई, वह स्वयं, और ऑप्शन डी हम, तुम, ये, वे। अब देखिए, मैं तुम कह रहा है तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, लेकिन आप कह रहा है तो निजवाचक है, और किसी कह रहा है तो अनिश्चयवाचक है। आप कह रहे हैं तो निजवाचक, कुछ कह रहा है तो अनिश्चयवाचक, जो कह रहा है तो संबंध बोधक, यह कह रहा है तो निश्चयवाचक। जो कहने से संबंध बोधक, कोई कहने से अनिश्चयवाचक, वह कहकर निश्चयवाचक, और स्वयं कहकर आपका कह रहा है आपका निजवाचक। लेकिन अगर वो हम, तुम, ये, वे कहते हैं तो मैं का बहुवचन बना हम, तू और तुम मध्यम पुरुष, यह का बहुवचन ये, और वह का बहुवचन वे, यानी कि मैं, तू, तुम, यह, वह, ये, वे, इस, उस कहते हैं, तो आपके व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर, अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ भी, कुछ न कुछ,
सब कुछ जो कुछ। अभी मैंने बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जब बहुवचन में बदला जाता है तो बहुवचन में बदलते समय हम यहाँ कुछ प्रत्यय शब्द को जोड़ देते, कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, है ना, इस तरह। तो देखा जाए तो जो और वह है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जो कह रहा है तो निश्चय आपका संबंध बोधक है और वह कह रहा है तो अनिश्चयवाचक है। इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जो और वह कह रहा है वो अनिश्चयवाचक नहीं है, लेकिन कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ कहता है। तो सब कुछ और कोई कहता है तो ये हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए वाक्य में कितने सर्वनामी शब्द का प्रयोग है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 या ऑप्शन डी है 4। अब यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नहीं पूछ रहा, इस वाक्य में कितने प्रकार का सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई कह रहा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या कह रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और आप कह रहा है तो निजवाचक सर्वनाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के सर्वनामिक शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, इस वाक्य में आपने कैसा शब्द है, क्या वो निजवाचक है, क्या वो अन्य पुरुष है, क्या वो मध्यम पुरुष है, क्या वो संबंधवाचक है। अब देखिए आपके दिमाग का फिर कंफ्यूजन कह रहा है कि आपके यहाँ पर शब्द में आपने कहा है तो निजता का बोध करा रहा है, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि किसके बारे में आपके, तो यहाँ पर हम नेहरू जी की विशेषता ये बता रहे हैं, हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुष आएगा, क्योंकि नेहरू जी के बारे में ही बात हो रही है और उन्हीं के बारे में बात करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनामिक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे जिसने बच्चे को डूबने से बचाया, तो क्या वो पुरुषवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, कि निश्चयवाचक है, कि संबंध बोधक है। तो मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग होगा, तो व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक होगा। जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो तो प्रश्नवाचक होगा, जहाँ निश्चितता का बोध हो तो निश्चयवाचक होगा, और एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध। तो जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसे इनाम मिलेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध बोधक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। तो पुरुषवाचक में क्या आता है, मैं, तू, तुम, यह, वह, इस, उस, ठीक है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, किसका, ठीक है। निश्चय में यह, वह, और संबंध में जो सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसी प्रकार कह सकते हैं जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसे इनाम मिलेगा कह रहे हैं, तो संबंध बोधक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन का नाम सूची में है, प्रश्नवाचक का भाव वाला नाम किस में है, क्या सूची, क्या नाम, क्या का, क्या किन किन। तो किन किन का नाम सूची में है कह रहे हैं, तो प्रश्नवाचक का भाव किस में है आपके, किन किन में है, ठीक है ना। सूची तो तालिका है, का कह रहे तो संबंध बोधक है, नाम कह रहे तो उनका नाम है, लेकिन प्रश्नवाचक का भाव जो है किन किन में आया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्या कहता है तो जड़ पदार्थ में इस्तेमाल होगा, कौन, किसे, किसने, किसको, किसका, किन का, ये कहेगा तो वो हमारे लिए व्यक्ति विशेष के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, तुम्हारी माता जी क्या कर रही है, वाक्य में पुरुष पहचानिए, क्या यह प्रथम पुरुष है, क्या मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है हमारे लिए थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में वक्ता होता है, सेकंड पर्सन में तू, तुम होता है, रेस्पेक्ट देने के लिए आप कहते हैं, अन्य पुरुष में हम ये, वे कहते हैं, इसी प्रकार इस कहते हैं, उस कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तुम्हारी माता जी क्या कर रही है। अब हम देखें, यह हमारे लिए मध्यम पुरुष की श्रेणी में आएगा, तो तू, तुम,
आप कह रहा है तो एक वचन में, उसी प्रकार तुम सब, आप सब कह रहा है तो बहुवचन में प्रयोग होगा, और तुम्हारी कह रहा है मतलब सेकंड पर्सन का संबंध बोधक हो जाता है। और इस तरह एक सर्वनामिक शब्द भी विकारी होता है। क्यों विकारी होता है? कि मैं से बहुवचन में हम बन जाता है, ठीक है, संबंध बोधक में मेरा बन जाता है, कर्म सूचक में मुझको हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार आपके आपके करण कारक में मेरे द्वारा बन जाता है, ठीक है, उसी प्रकार अपन दान में मेरे से हो जाता है या मुझसे कहते हैं, और अधिकरण में मेरे में या मुझ में या मुझ पर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो मेरे में ना कहकर मुझ में कहा जाता है, ठीक है ना, मेरे में न कहकर मुझ में कहा जाता है, और इसी प्रकार मुझ पर का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो कहने का मतलब कि आज इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से हमने दो विकारी शब्द को जाना, संज्ञा को और सर्वनाम को। आपके इस लेक्चर वीडियो में जहां मैंने आपको दो प्रकार के विकारी शब्द बताए, संज्ञा और सर्वनाम, इसके कारक उत्पन्न कराने के कारण है वचन, लिंग, काल और कारक रचनाएं। तो अगर आपको इसके और ज्यादा जानकारी आपको जाननी है, यहाँ MCQ के माध्यम से मैंने टॉपिक कवर तो किए हैं परंतु इसकी और ज्यादा जानकारी देखना है तो आई बटन होगा जिसमें आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, और वहां मेरे लेक्चर वीडियो जो कंपटीशन कम्युनिटी के हिंदी वाले हैं उसमें जाकर इसको और बहुत ज्यादा गहराई में समझ सकते हैं। यहां आपको सिर्फ क्रक्स को जो है वो बताया जा रहा है, यहां आपको MCQ के माध्यम से केवल आपको चीजें समझाई जा रही कि प्रश्न कैसे आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसको बहुत गहराई से अगर समझना है तो आप उस लिंक में जाएंगे, वहां आपको मेरे लेक्चर वीडियो मिलेंगे, उस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आप हर एक पॉइंट्स को बहुत क्लियरिटी से समझ सकते हैं। तो आज के लैंग्वेज मंत्रा में दो विकारी शब्द, संज्ञा और सर्वनाम हमने कंप्लीट किया। आने वाले लेक्चर में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, करना होगा थोड़ा सा इंतजार। क्या आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं? क्या हिंदी भाषा को इतने ही सरल रूप से समझना चाहते हैं? तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, अगले लैंग्वेज मंत्रा के रिकॉर्डेड वीडियो में आपको कुछ नई चीज समझने की आपको प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि आप नई चीज़ वहाँ से सीख सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, कंपटीशन कम्युनिटी के इस चैनल के साथ मैं आपसे जुड़ी रहूँगी, आपके सारी जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। तो अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच और लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।